Hello guys, hope so you are fine and doing well. Today I will discuss class reptiles. You know that we are discussing phylum Chordata, and phylum Chordata is one of the most successful phylum in the animal kingdom. We have divided phylum Chordata into class Pisces, class Amphibia, which we have discussed in last video. Today I am going to discuss class reptiles. क्लास रेप्टाइल्स का जो सर्वाइवल है वो ज़मीन पर किस तरह का मुमकिन हुआ, इन में जो पांच ऐसे करैक्टर हैं जिनकी वजह से रेप्टाइल्स जो हैं ये खुश्की पर रहने के काबिल हुए। सबसे पहला जो करैक्टर है वो है इवोल्यूशन ऑफ लेग्स टू सपोर्ट बॉडी टू रन। इनके अंदर जो लेग्स की इवोल्यूशन है वो हुई जिसकी वजह से इनकी बॉडी को सपोर्ट मिली, वो ज़मीन पर चलने फिरने के काबिल बन गए। उसके अलावा इनके अंदर लंग्स की फार्मेशन हुई जिसकी वजह से ये ज़मीन पर एफिशिएंटली ब्रीद कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इनके जो एग्स थे वो कवर्ड हो गए शेल की वजह से, और इनके जो एग्स था उनका जो लॉस होने का ख़तरा था वो रिड्यूस हो गया। उसके अलावा अगर आप स्किन देखें, जो हमारे पास रेप्टाइल्स के मेंबर की स्किन्स होती है वो ड्राई स्केल से कवर होती है, और ये जो स्केल्स हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिनकी वजह से इनकी बॉडी से जो रिड्यूस ऑफ वाटर था वो मिनिमम हो गया। उसके अलावा लास्ट इनका जो हार्ट था मोर एफिशिएंट हो गया एम्फीबियन और फिशेस की निस्बत, जिसकी वजह से इनका जो सर्वाइवल है ज़मीन पर अच्छा हुआ, और ये जो हमारे पास ज़मीन पर कुछ हमारे पास जो पीरियड था अर्थ का उस पर ये डोमिनेट रहे। और ये मैंने लश एक बनाया हुआ है एक्रोनम, इससे आप ये पांच करैक्टर इजीली याद रख सकते हैं। उसके अलावा गाइस हमने जो हमारे पास रेप्टाइल्स के लिविंग ऑर्डर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके हमारे पास कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर जो है वो एक रिमोट पास्ट में रहने वाला रेप्टाइल था जो अब इस प्लैनेट पे नहीं रहता। उसके अलावा जो हमारे पास लिविंग ऑर्डर्स हैं रेप्टाइल के वो चार ऑर्डर हैं, स्क्वेमेटा, उसके अलावा रिंकोसफेलिया, चिलोनिया और क्रोकोडाइलिया। ये जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं स्क्वेमेटा, इसमें हमारे पास लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं, और जो लिजर्ड्स हैं इनकी 6200 स्पीशीज़ हैं, और हमारे पास जो स्नेक्स हैं इनकी 3500 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा गाइस जो लिविंग ऑर्डर हमारे पास रिंकोसफेलिया है, इसमें हमारे पास 12 आते हैं और इनकी ओनली वन स्पीशीज़ मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास थर्ड लिविंग जो ऑर्डर है वो चिलोनिया है, इसमें हमारे पास टर्टल्स और टार्टोइज़ आती हैं, इनकी टोटल स्पीशीज़ 340 स्पीशीज़ है। लास्ट पे जो हमारे पास लिविंग ऑर्डर है क्रोकोडाइला, इसमें हमारे पास क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स आते हैं, इनकी हमारे पास 25 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। बाकी गाइस अगर इनकी इवोल्यूशन की बात करें, हमारे पास जो इवोल्यूशन है ये जो रेप्टाइला की क्लास है ये हमारे पास डोमिनेटेड थी 250 मिलियन ईयर्स अगो ऑन द अर्थ। तो 225 साल पहले इनका जो डोमिनेशन थी अर्थ पर, आप जानते हैं जुरासिक पीरियड जैसा कि इसकी एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास डायनासोर इस प्लैनेट पे डोमिनेट थे। उसके अलावा हमारे पास बेस्ड ऑन द ओपनिंग बिहाइंड द आईज इन द स्कल दे आर क्लासिफाइड इन टू नेप्सिडा, स्नेप्सिड एंड डायप्सिड। इनकी जो हमारे पास आईज के पीछे जो स्कल होती है उसमें सुराख की बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया तीन सब ग्रुप्स में। जो हमारे पास इनेप्सिड है, जैसा कि जाहिर करता है ए का मतलब विदाउट, इनके हमारे इन जो इनेप्सिड हैं ये हमारे पास वो ग्रुप है रेप्टाइला का जिनकी स्कल में कोई ओपनिंग नहीं होती, और जो हमारे पास साइनेप्सिड हैं इनकी स्कल में सिंगल ओपनिंग होती है, और जो हमारे पास मैमल्स हैं थ्रेप्सिड मैमल्स, ये रेप्टाइल्स की तरह के होते हैं। तो जो हमारे पास मैमल्स हैं वो ये जो स्नेप्सिड ग्रुप है रेप्टाइल का, यहाँ से उनका ओरिजिन हुआ। उसके अलावा जो हमारे पास डायप्सिड हैं इनकी स्कल में टू ओपनिंग्स होती हैं, जो हमारे पास क्रोकोडाइल और जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं हमारे पास डायप्सिड से। उसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास जो ये फर्दर इसकी कुछ ऐसी खूबियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तीन फीचर्स हैं, इनमें इन तीन फीचर्स की वजह से ये जो हमारे पास हैं
ये रेप्टाइल्स ये डोमिनेंट रहे। पहला जो हमारे पास फीचर आप देख सकती हैं, मैंने ये सर्कल किया हुआ है, एमनियोटिक एग्स, उसके अलावा ड्राई स्किन, उसके अलावा ये थोरैकिक ब्रीदिंग। इनके अंदर जो एमनियोटिक एग्स होते हैं उनकी जो मसाल है, इनके अंदर जो एग्स की टाइप है वो टीलियो एसिथल, जो हमारे पास एग्स इनके पास मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास गाइस टीलियो एसिथल एग्स होते हैं, इनमें जो यॉक होती है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन में कंसनट्रेटेड होती है। ये जो हमारे पास एमनियोटिक एग्स है, इनके गिर्द शेल मौजूद होता है, उसके अलावा इनके एम्ब्रियो के गिर्द जो चार ये हमारे पास यॉक सैक है, जिसमें हमारे पास ये एमनियन, कोरियन और हमारे पास एलेंटोइन और यॉक सैक, सॉरी ये चार हमारे पास जो लेयर्स हैं इनके एम्ब्रियो के गिर्द बनी, और जिसकी वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो मैक्सिमम हुआ। उसके अलावा इनमें जो प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन है वो कवर्ड होती है स्केल से, और ये जो हमारे पास स्केल हैं कैराटिन के बने होते हैं, और ये जो हमारे पास स्केल प्रोटेक्ट करते हैं इनकी बॉडी को, ड्राई होने से बचाते हैं और जो फिज़िकल इंजरी है उससे भी हिफाजत करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इनके पास जो थोरैकिक ब्रीदिंग है, इनके पास एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टाइल रिब्स मौजूद होती हैं जो पुश और पुल करती हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर जो गैस का एक्सचेंज था विद ब्लड वो मैक्सिमम हो गया। उसके अलावा गाइस जो हमारे पास आगे ये आप देख रहे हैं लिविंग ऑर्डर्स, लिविंग ऑर्डर्स में जो हमारे पास आते हैं आपके पास स्क्वेमेटा, जिसमें लिजर्ड हैं, इनकी फर्दर हमने आगे करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं। जो हमारे पास स्क्वेमेटा हैं, स्क्वेमेटा में हमारे पास स्नैक्स और लिजर्ड आते हैं। स्नैक्स अगर देखे जाएँ हमारे पास जो हैं इनके पास जो स्नैक्स हैं इनके पास टू कॉपुलेटरी ऑर्गन होती हैं मेल के पास, जिसके ज़रिए कॉपुलेशन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आप जो स्नैक्स हैं इनके जो जॉज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं अपर और लोअर, और इसकी वजह से जो स्नैक है अपनी बॉडी से बड़ा जो साइज़ का जो प्रे होता है उसको खा सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने स्नैक्स से यहाँ से ऊपर एल्डेब्रा ऐसा स्नैक है जो 150 ईयर्स तक रह सकता है, रेटिकुलेटेड पाइथन ऐसा स्नैक है जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, रेटल स्नैक ऐसा स्नैक है जो हमारे पास ओवी पैरस नहीं है बल्कि वीवी पैरस है, कि ये हमारे पास यंग अपने छोटे छोटे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा अगर आप देखें लिजर्ड, लिजर्ड की 3500 स्पीशीज़ हैं, सबसे बड़ी जो हमारे पास लिजर्ड है वो है कोमोडो ड्रैगन, और जो कोमोडो ड्रैगन है ये इसका जो ताल्लुक है वो मोनिटर फैमिली से है, ये हमारे पास 3 मीटर तक लंबी हो सकती है, इसका वज़न 180 किलोग्राम होता है। कुछ हमारे पास लिजर्ड की स्पीशीज़ विनोमस होती हैं कि वो जहरीली होती हैं, उनमें हमारे पास गीला मॉन्स्टर और बीडेड लिजर्ड जो हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा गाइस जो हमारे पास ये ऑर्डर रिंकोसिफालिया है, इसके जो करैक्टर हैं वो ये हैं कि इनके अंदर थर्ड आई जो है एक स्पीशीज़ मौजूद है आप जानते हैं रिंकोसिफाला में, और इनके जो हेड है उसके टॉप पे एक थर्ड आई मौजूद है। ये जो आईज़ है इसको हम पेरिटियल आई कहते हैं, इनके जो लेंस और रेटिना है उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन से, वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। और हमारे पास जो ऑर्डर रिंकोसिफालिया है इनमें एक ग्रुप है लिपिडोसौरिया, उस ये जो लिपिडोसौरिया ग्रुप है रिंकोसिफालिया का, उसको लिजर्ड और स्नैक्स जो हैं उनके साथ रखा गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारे पास चिलोनिया है, ये वाला चिलोनिया के फर्दर करैक्टर देखे जाएं, इसमें टर्टल और टाइट्रोय शामिल हैं। सबसे बड़ा जो टर्टल है उसका नाम चिलोनिया माइडास है, और इसमें 340 स्पीशीज आती हैं। इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखे जाएं तो हमारे पास जो टर्टल्स और टाइट्रोयज हैं इनके अंदर टीथ मौजूद नहीं होते। उसके अलावा ये अपनी शार्प बीक जो होती है उसको इस्तेमाल करते हैं प्रे को ग्रैब करने के लिए, प्रे को क्रश करने के लिए ये अपनी बीक का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास टॉर्टोइज और टर्टल्स हैं इनके शेल जो हैं उनके दो हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल जो शेल होता है डोर्सल उसको कारपेस कहते हैं, जो हमारे पास वेंट्रल शेल होता है उसको प्लेस्ट्रोन कहते हैं। उसके अलावा गाइस लास्ट जो हमारे पास लिविंग ऑर्डर है वो है क्रोकोडाइलिया, क्रोकोडाइलिया में हमारे पास क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर आते हैं, इसमें 25 स्पीशीज शामिल हैं। इनके अगर करैक्टरिस्टिक्स देखे जाएं तो हमारे पास इनके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, जो क्रोकोडाइल्स होती हैं ये नॉक्टर्नल हैं, ये रात को निकलती हैं शिकार करने के लिए, और उसके अलावा जो दो स्पीशीज़ हैं एलिगेटर की वो यूएसए में और चाइना में देखने को मिली, ये कार्निवोरस होती हैं,
उसके अलावा ये बर्ड से रिजेंबल करते हैं। बाकी गाइस बात करें जनरल फीचर, हमारे पास दो तीन रह गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेप्टाइल्स जो हैं ये एक्टोथर्म होते हैं, उसके अलावा इनमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, और उसके अलावा इनके पास जैकोबसन्स आर्गन जो हैं वो काम करती हैं कीमोरिसेप्टर का, और जो स्मेल है उसको डिटेक्ट कर लेती हैं। तो हमारे पास जो ये लिजर्ड और स्नेक हैं ये अपनी जो होती है इनकी टंग, उस टंग को इस्तेमाल करते हुए ये बाहर का जो टम्परेचर होता है, बाहर की जो स्मेल है उसको महसूस कर लेते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कि मैंने इस क्लास रेप्टाइला में आपको बताया कि हाउ रेप्टाइल सक्सीड ऑन द लैंड। एक लक्ष्य मैंने आपको बना के दिखाया, ये फाइव करेक्टर आपको बताए, लिविंग ऑर्डर मैंने आपको बताए, तीन की फीचर बताए, उसके अलावा मैंने आपको इवोल्यूशन बताई रेप्टाइल्स की, उसके अलावा जो तीनों लिविंग ऑर्डर्स हैं इनके मैंने करेक्टर बताए और जनरल फीचर्स बताए आपको रेप्टाइल्स के, कि किस तरह इनका सर्वाइवल ज़मीन पर मुमकिन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और अपने एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इस क्लास से पूछे जाने वाले MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास एवस। अल्लाह हाफिज़।